मेरी किताब। सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो अली की आंख खुल गई और वो बिस्तर से छलांग लगा कर उठा, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी थी। सोचा घर में बैठे क्या किया जाए। नाश्ते के बाद बाहर खेल कूद का प्रोग्राम बना लिया, टोपी उठाई और बल्ला हाथ में लेकर खेलने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। अभी टोपी सर पर रखने ही वाला था के पास ही से किसी के खांसने की आवाज़ आई। इधर उधर देखा, कोई नज़र ना आया, लेकिन आवाज़ बराबर आती रही। अचानक किताबों के शेल्फ पर से एक बोसीदा किताब गिरी। अली ने हैरत से देखा तो किताब ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, मियाँ देखते क्या हो, हाथ पकड़कर सहारा दो। अली हैरान रह गया और हाथ बढ़ाकर किताब उठाई। पुरानी किताब ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मियाँ मेरी ज़िंदगी के चंद रोज़ बाकी हैं, इसके बाद मुझे रद्दी में बेच दिया जाएगा और ना जाने मेरा वहाँ क्या हाल होगा। मैंने बहुत से लोगों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया है, लेकिन अफसोस कि आज मेरी बोसीदा हालत को कोई सहारा देने वाला नहीं। देखा जाए तो मुझ में क्या नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया नाम है मेरा, लेकिन पुरानी होने की वजह से मेरी कोई कदर नहीं है। मियाँ अब तो कंप्यूटर और टीवी ने बच्चों का ध्यान बिल्कुल हम पर से हटा दिया है। यह कहकर किताब जारो कतार रोने लगी। अली को बहुत अफसोस हुआ। इसने सोचा कि अगर हम अपनी पुरानी किताबों को दुरुस्त हालत में रखें तो हमारे बाद और भी लोग इन्हें ज़रूरत के वक्त पढ़ सकते हैं। अली ने फौरन किताब उठाई और जलसाज के पास और भी पोसीदा किताबें अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थीं। जलसाज ने अली को 2 दिन के बाद आने को कहा। 2 दिन गुजर गए। अली जलसाज के पास गया और देखा कि दुकान पर कई नई किताबें रखी हैं। इन्हीं किताबों में से सीटी की आवाज़ आई और एक नई किताब ने अली को इशारा किया। पहचाना ऐ दोस्त, मैं वही इंसाइक्लोपीडिया हूँ जिसे तुम पुरानी हालत में छोड़ गए थे। तुम्हारे वजह और जलसाज की मेहनत से आज मुझे नई ज़िंदगी मिली है। अब मैं नई सूरत में हूँ और मेरी चमक दमक वापस आ गई है। मुझे खुशी है कि अब मैं कारगर हो गई हूँ, मज़ीद इल्म बाँट सकती हूँ। अली ये देखकर बहुत खुश हुआ और झट से किताब को सीने से लगा लिया, जलसाज का शुक्रिया अदा किया और इसकी उजरत अदा की। अब अली के पास हर किताब नई थी, क्योंकि वो किताबों की हिफाजत और इनसे मोहब्बत करना सीख गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। Thanks for watching.